नेपाल की राजधानी काठमांडू में यात्रियों को ले जा रहा एक विमान क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। सौर्य एयरलाइंस का एक विमान बुधवार को काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी TIA पर उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। TIA के प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुर ने बताया कि पोखरा जा रहे विमान में विमान चालक दल समेत 19 लोग सवार थे, जो सुबह करीब 11 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। पुलिस और अग्निशमन कर्मी दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान चला रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दुर्घटना स्थल से 5 शव बरामद कर लिए गए हैं। प्लेन के कैप्टन MR शाक्य को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया। मरने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सौर्य एयरलाइंस के विमान में आग लगने से दुखद घटना हुई। हवाई अड्डे के सूत्रों के मुताबिक उड़ान भरने के दौरान विमान रनवे से फिसल गया, जिसके नतीजे में ये दुर्घटना हुई है। ये विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था और इसमें कुल 19 लोग सवार थे। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई। आग की लपटें कैसे धू धू कर जल रही हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। धुएं का भारी गुबार आसमान में छा गया। दुर्घटना के कारण विमान में लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशमन कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की एक टीम तैनात भी की गई है। दमकल कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की एक टीम स्थिति पर काबू पाने के लिए वहां लगातार काम कर रही है। फिलहाल राहत बचाव के कार्य के लिए टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं। इस प्लेन क्रैश में कई के मारे जाने की आशंका है। ये प्लेन काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भर रहा था, तभी विमान क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद विमान में भयंकर आग लग गई। इसकी लपटें देखकर लोग दौड़ पड़े। सूत्रों की माने तो राहत बचाव कार्य के लिए नेपाल सरकार ने सेना के जवानों को भी मौके पर भेज दिया है। मेडिकल से लेकर सेना के जवानों की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। जिस तरह की आग लगी है वो बुरी खबर की तरफ इशारा कर रही है। ऐसे में जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।